खैरुल मदारिस का मिजाज ये है कि वो अपने किसी उस्ताद को भी बूढ़ा होने की वजह से, किसी भी मुलाजिम को बूढ़ा होने की वजह से, कमजोर हो जाने की वजह से, ज़ईफ होने की वजह से कभी जवाब नहीं देता। बल्कि हमारे बाज हजरात एक दिन मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, खैरुल मदारिस बूढ़ों को पालता है। और यह हम क्यों करते हैं? जिसने अपनी जवानी लगा दी, जिसने अपनी सेहत और ताकत का जमाना मदरसे को दिया, क्या जब वो बूढ़ा हो जाए, बीमार और कमजोर हो जाए तो मदरसा उसको जवाब दे दे? ये बेवफाई नहीं है। वफा दोनों तरफ से होती है। इसलिए तमाम मदारिस के जिम्मेदारों से मेरी ये दरख्वास्त है और मसाजिद के जिम्मेदारों से दरख्वास्त है कि अगर इमाम, खतीब, उस्ताद, मुदर्रिस कहीं बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, पढ़ाने के काबिल ना रहे, ज़ईफ हो जाए, और कोई मुलाजिम हो, उसकी वफात तक उसकी तनख्वाह बंद ना करो और उसके तमाम हुकूक उसी तरह रखो, उसका ख्याल रखो जिसने आपको अपनी जवानी दी हो, आप उसके बढ़ापे में उसके साथ खड़े हो। आपको भी वफादार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं कि खैरुल मदारिस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपने ज़ईफ़ और कमजोर और बूढ़े मुलाजिमीन और असातिज़ा को भी अपने सीने से लगा कर रखा है। और इसको हम अपनी सआदत समझते हैं, इसलिए कि जो जितना बूढ़ा हो जाए उतना वो बरकतों वाला ज्यादा हो जाता है, हर वक्त उसका ताल्लुक माल्ला ज्यादा हो जाता है। वो ना पढ़ाए, वो बैठा ही रहे, वो चारपाई पर लेटा ही रहे, उसकी दुआएं और तवज्जोहात वो बरकत